दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती के विवाद की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। पुलिस भर्ती को लेकर के विवाद हो गया है। बहुत सारे जो छात्र हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। जगह जगह प्रयागराज में, लखनऊ में और भी अन्य शहरों में, जिला मुख्यालयों में, विधायकों के आवास में, मंत्रियों के आवास में आंदोलन हो रहे हैं। छात्र पहुंच रहे हैं, पूरी बात बताऊंगा। और आज कुछ लोगों की वार्ता भी हुई है मुख्यमंत्री ऑफिस में और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। प्रदेश के थाने में देख लो आपको ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज बिल्कुल नाम मात्र मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें 22 साल में बाहर कर दिया जाता है, वो कहाँ से भर्ती मारेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी सरकार की, जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, आप हमें ये बता दीजिए कि 22 साल में आप ब्राह्मण और राजपूत के बच्चों को बुढ़ा बना देते हो और वहीं आप दूसरे समाज के बच्चों को 28 साल तक मौका देते हो, क्या यही आपकी समानता है? आप झूठे वादे करके स्वर्ण समाज का वोट ले लेते हो। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है स्वर्ण समाज के नेता जो अपनी बिरादरी के नाम पर वोट तो ले लेते हैं ब्राह्मणों का, राजपूतों का, लेकिन उनके हक की आवाज़ कभी विधानसभा में नहीं उठाते। थूकता हूँ ऐसे नेताओं पे। और ये जितने भी ब्राह्मणों के नेता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ या तो अपनी रैलियों में निकालने के लिए, तुम्हें धक्के खिलाने के लिए रहेंगे। जिंदगी में ध्यान रखना, ये कभी तुम्हारा भला नहीं करेंगे। युवाओं अपनी आवाज़ खुद उठाओ। लखनऊ में 25 तारीख को आंदोलन है, मैं भी जा रहा हूँ। राकेश रघुवंशी भैया और करनी सेना प्रदर्शन कर रही है। जो भी बच्चा अपना हक की आवाज़ उठाना चाहता है। तो छात्रों का आक्रोश आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितना दुख है। और यूपी सरकार ने पानी फेर दिया। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आयु बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि 6 साल से कोई भी किसी भी प्रकार की परीक्षा यूपी पुलिस में नहीं आई है। यदि आयु बढ़ोतरी नहीं की जाती तो मैं स्वयं पंकज धवरैया अपने संगठन के साथ जनपद हाथरस से पद यात्रा करते हुए लखनऊ सचिवालय पहुंचूंगा और अपना ज्ञापन प्रेषित करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, वरना हम लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। जो आज तक हमने विजय दिलाने का सभी के लिए काम करा है, हम यहां पर हराने का काम करेंगे। आयु सीमा में बढ़ोतरी की जाए और इन बच्चों को पुलिस परीक्षा से वंचित न किया जाए। जय जननी जय भारती। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि समान वर्ग के विद्यार्थियों को ही झटका लगा है। ओबीसी एससी और अन्य कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनको भी झटका लगा है। और मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि अगर समान वर्ग को छूट मिलती है तो यानी कि सभी वर्गों को छूट मिलेगी। और यानी एससी एसटी ओबीसी को 5-5 साल की छूट उसी प्रकार से मिलेगी। अगर समान वर्ग को 3 साल की छूट मिली तो फिर इन सब की जो आयु में 3-3 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं और सांसद हैं राज्यसभा के जयंत चौधरी जी, उन्होंने भी ये पत्र लिखा 24 तारीख यानी कल उन्होंने पत्र लिखा था। और इस पत्र के माध्यम से मांग की थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। और मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से बताया भी था कि विधानसभा के चुनाव में भी जयंत चौधरी जी ने उम्र सीमा में छूट को लेकर के सभी भर्तियों की जो बात है वो रखी थी और कहा था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सभी भर्तियों में 3 साल की छूट दी जाएगी। फिलहाल देखिए उन्होंने पत्र में क्या लिखा है कि इस तरह इन 5 वर्षों के दौरान कोई भर्ती न होने के चलते प्रदेश के लाखों युवा इस आयु सीमा से बाहर जा चुके हैं। इस तथ्य को देखते हुए इस अंतराल में भर्ती से वंचित प्रदेश के लाखों युवाओं की मौजूदा भर्ती आयु सीमा में छूट की मांग एकदम औचित्य और न्यायसंगत है। मेरा भी ऐसा मानना है कि प्रदेश के युवाओं को भर्ती सीमा में आयु में छूट प्रदान की जानी चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि ये विद्यार्थियों की मांग जायज है वो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को सभी ग्रुप में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी फेसबुक ग्रुप में, हर जगह शेयर भी कर दें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये ट्वीट किया था और भी बहुत सारे नेता ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आज विद्यार्थियों का एक बड़ा दल जो नेता है संजीव बालियान उनके यहाँ गया और क्या वार्ता हुई। तो नेताजी ने देखा आपने क्या कहा, नेताजी ने कहा कि मैं खुद जाकर के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि कम से कम इन विद्यार्थियों को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। जीवन में किसी भी भर्ती में बैठने के लिए कम से कम एक मौका विद्यार्थियों को बैठना चाहिए, ये सीधी सी बात है। और इसीलिए इस आंदोलन का सभी वर्ग, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
लेकिन मुख्यमंत्री जी के पता नहीं कैसे अधिकारी हैं जो हर भर्ती को फंसाना चाहते हैं और विवादित विज्ञापन जारी करते हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, LTTE शिक्षक भर्ती हो, या पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, सारी भर्तियों को जो गड़बड़ी हुई है वो इन अधिकारियों ने की है। अब बात करते हैं कि आज क्या बात हुई है मुख्यमंत्री ऑफिस में, चूंकि करणी सेना इस चीज को कई सालों से लेकर के आगे बढ़ा रही थी कि कोविड के दौरान जो भी विद्यार्थी प्रभावित हुए सभी विद्यार्थियों को उम्र सीमा में कम से कम 3 साल की छूट दी जाए। तो करणी सेना के अध्यक्ष यहां पर देख सकते हैं और जो नेता है प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, आज इनकी वार्ता हुई अधिकारियों से, मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से बुलावा आया था। करें आज मैं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री के अधिकारियों से मिलकर के मैं अभी लौटा हूं, वो बात आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूं, जितना ज्यादा हो शेयर करें आप। अभी मैं कुछ स्टूडेंट हमको मिले हैं मुख्यमंत्री कार्यालय पे, मैं उनको परिचय करा देता हूं आपका, इधर जरा घुमाइए, ये परिचय बताइए। जी मेरा नाम शिवम शर्मा है, मैं अलीगढ़ का निवासी हूं। क्या प्रॉब्लम है बताओ? 18 में जब भर्ती आई थी तो मैं अंडर एज था, मेरी 18 साल उम्र नहीं हुई थी, अब 5 साल बाद भर्ती दी है और एज क्राइटेरिया इन्होंने 18 से 22 रखा है, अब मैं ओवर एज हो गया सर 1 साल से, मुझे कोई भर्ती देखने नहीं मिली। उसको आवाज कम कर दीजिए। पहले से श्री NKS चौहान जो मुख्यमंत्री जी के कार्य विशेषाधिकारी हैं, उनका मेरे पास फोन आया था कि आपको मुख्यमंत्री कार्यालय आना है और वार्ता करनी है EWS के संबंध में। मैंने ये ट्वीट किया था, मैंने ये पोस्ट डाली थी, आप लोगों ने देखा था, मुझे 25 और 27 का समय दिया गया था, मैंने 25 का समय लिया था उनसे, और 25 का समय लेने का कारण ये था कि मैं 24 तारीख को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो हमारे सुप्रीमो थे दादा सुखदेव सिंह घुगामणी जी, उनका अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम वाराणसी में पहले से निर्धारित था, वह कर्मकांड कार्यक्रम कर करके मैं देर रात लौटा हूं लखनऊ में, और आज सुबह 10 बजे 10:30 बजे मुझे बुलाया गया था। मैं मुख्यमंत्री जी के कार्यालय जा करके श्री NKS चौहान जी जो मुख्यमंत्री जी के, मैं लाइव के माध्यम से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि NKS चौहान जी जो मुख्यमंत्री जी के कार्य विशेषाधिकारी हैं, वो और कई अधिकारी वहां पे मुझे मिले हैं, मेरी उनसे वार्ता हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि EWS में चाहे सामान्य वर्ग के छात्र हों चाहे अदर समाज के छात्र हों, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हम जो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, आयु में छूट मांग रहे हैं सामान्य वर्ग के लिए, या जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की बात कर रहे हैं, समाज के बच्चों से कोई शिकवा शिकायत नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती निकली है, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती की आयु सीमा डिसाइड की गई है 18 से 22 वर्ष ये सामान्य वर्ग की रखी गई है, लेकिन OBC SC की 18 से 27-28 वर्ष रखी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि OBC SC समाज के भी हमारे भाई हैं, उनको अगर सरकार, अगर योगी जी की सरकार, मोदी सरकार या कोई भी, अगर उनको 28 से 38 साल उम्र देना चाहती है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना या हमारा संगठन हमारा समाज विरोध नहीं करा उनको, तो मुझे खुशी होगी, मैं दोनों हाथ से ताली बजाऊंगा सरकार की, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पत्र दे दो बिना किसी और कार्यक्रम के दे दो आप, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं इस देश में, भारत जैसे देश में जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, ठाकुर के हों, पंडित के हों, बनिया के हों, भूमिहार हों, श्रीवास्तव हों, या जो भी जो समर्ण समाज में आते हैं, मुस्लिम जनरल समाज में जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं 2018 के बाद भर्ती आई है, 2023 में 2024 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जनवरी में, वो पूछ रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब सरकार आई, जब मैं एडल्ट हुआ 18 साल का हुआ, उस समय से लेकर के अब तक के बीच में कोई भर्ती नहीं आई, और जब भर्ती आई तो मैं बिना परीक्षा दिए, बिना भर्ती प्रक्रिया को मापदंड को अपनाए मैं बुढ़ा कैसे हो गया, ये सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं बच्चों के माध्यम से लगातार। फिर से नाम ले रहा हूँ लाइव के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ, कि श्री NKS चौहान और उनकी टीम ने मुझे सकारात्मक मुझसे बात किया है, उन्होंने कहा है कि यह जो आपका विषय है यह विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, पहले भी जो मेरे पत्र गए थे या मेरे जो आंदोलन हुए थे वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के दिल्ली तक हमारी बात गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूछेंगे कि विज्ञप्ति क्यों आ गई, ये फलाना क्यों हो गया, इसी संदर्भ को लेकर के मैंने बोला है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज के बच्चे और अन्य समाज के बच्चे जिनकी मांगे पूरी नहीं, सब इकट्ठा होने जा रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में होगा, वो भी विधानसभा GPO पूरे लखनऊ में होगा, और जिले जिले में जहां जहां करणी सेना है वहां पे आंदोलन होगा, पूरे भारत के करणी सैनिकों को मैं उत्तर प्रदेश में उतार दूंगा, अन्यथा हमारी बात को सुना जाए। NKS चौहान जी और उनके अधिकारियों ने कहा है कि 2 दिन का समय मुझे दीजिए, फिर मैं, मेरी बातों को गंभीरता से लीजिएगा, 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है,
कल का और परसों का, उन्होंने कहा कल आपके पास खबर चली जाएगी या परसों चली जाएगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए तीन लोगों को बुलाया गया है और तीन लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता करेंगे और इसमें आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और उस मुलाकात में हम अपनी बातों को रखेंगे और ऑलरेडी हमारी बातें वहां तक पहुंच गई और मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को समझेंगे और सामान्य वर्ग की जो पीड़ा है, जो बच्चे हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, जो कोरोना काल की वजह से उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है, जो 18 से 22 साल में बुढ़े हो जा रहे हैं, उनको उम्र में छूट सरकार देगी, ये मुझे भरोसा दिलाया गया है। तो मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि दो दिन का यहां पर देख सकते हैं सरकार की तरफ से दो दिन का मौका मांगा गया है, लेकिन मैं कहूंगा अपनी तरफ से कि आप लोग अपने आंदोलन को सभी छात्र जारी रखें, अहिंसात्मक शांतिपूर्व तरीके से आप लोग अपनी बात रख सकते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी बात रख भी रहे हैं। और मुझे इस बार लगता है कि इसमें सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। पहले भी इसी तरीके का मामला दरोगा भर्ती को लेकर के गया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार जल्दी नहीं मानी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप लोग वीडियो को दबा करके शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मैं इसको लगातार इस मुद्दे को रखूँगा और लगातार आप लोगों के जो वीडियो है वो आप तक पहुँचाऊँगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।